हाथ उठाना गुनाह है, तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। उनको लड़ाई इतनी नहीं करनी चाहिए थी, हाथापाई इतनी नहीं करनी चाहिए, मारामारी इतनी नहीं करनी चाहिए थी। आदिल खान दुरानी का सोमी खान पर हाथ उठाने की पिक्चर वायरल होने के बाद आज राखी सावंत भी नजर आई अपने एक्स हस्बैंड आदिल खान दुरानी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। राखी सावंत का कहना है कि आदिल खान दुरानी का इस तरह सोमी खान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि औरत पर हाथ उठाना गुनाह है। सावंत का ये भी कहना है कि ये तो शुरू दिन से ही मुझे मालूम था कि आदिल खान दुरानी जब सोमी खान से धोखे से शादी करेंगे तो सोमी खान के साथ भी वही सब कुछ करेंगे जो आदिल खान दुरानी कल तक मेरे साथ कर चुका है। राखी सावंत का ये भी कहना है कि आदिल खान दुरानी तो मुसलमान है और इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, तो मुसलमान होने के नाते आदिल खान दुरानी को किसी भी औरत पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि औरत पर हाथ उठाना हमारे धर्म में नहीं है। राखी सावंत का ये भी कहना है कि इस तरह आदिल खान दुरानी ने अपनी वाइफ सोमी खान पर हाथ उठाकर सारी हदें पार कर दी है। आदिल खान दुरानी ने सोमी खान को गाली गलौज भी की और उसके बाद सोमी खान पर हाथ भी उठाया और सोमी खान के चेहरे पर अब भी आदिल खान दुरानी के हाथों के निशान मौजूद हैं। राखी सावंत को सोमी खान और आदिल खान दुरानी के पर्सनल मामले में आकर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी या नहीं, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आदिल खान दुरानी को सोमी खान पर हाथ उठाना चाहिए था या नहीं, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे रहेगा आपका कमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।